जी, रवि किशन जी का स्वागत करूंगा, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उसके साथ ही मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, जो ये दोनों नाम किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड। इसी क्रम में मैं स्वागत करूंगा श्री दुर्गा प्रसाद जी का, एक जोरदार तालियां। दोस्तों आज की ये शाम, मैं सभी मीडिया बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह ले ले ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकें। आज शुक्रगुजार हूँ मनोज टाइगर जी का, एक जोरदार तालियां मनोज टाइगर जी के लिए। और आज का जो ये ट्रेलर लॉन्च है, ये म्यूजिक लॉन्च है, राज के प्रोडक्शन और जी ग्रुप के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि आर के प्रोडक्शन और जी ग्रुप के बीच में जो एक ये ऐतिहासिक डील हुई है, एक सात फिल्मों के, जिसके आप सूत्रधार कह सकते हैं बिग गंगा को और जी म्यूजिक को। मैं जी ग्रुप के जितने भी लोग हैं, वो क्लस्टर हेड हिंदी स्पीकिंग के अपने अमित शाह जी, हेलो, ये माइक क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार दोस्त? अभी ठीक है, मैं अमित शाह जी का जो क्लस्टर हेड है जी के, उसके उसी क्रम में मैं अमरप्रीत सैनी जी का जो बिजनेस हेड है बिग गंगा के, राजीव मिश्रा जी का जो क्रिएटिव हेड है हमारे बिग गंगा के, और शुभा श्रीनिवासन जी का जो हेड है हमारी गुड नाइट कंपनी की, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रेरित है, जिसके डायरेक्टर श्री सैफ तिदवई जी हैं। और इस फिल्म में जहां तक मुझे मालूम है रवि किशन भैया एज एन आर्टिस्ट जुड़े थे, बट जैसे ही रवि किशन भैया ने ये कॉन्सेप्ट सुना, क्योंकि ऑलवेज आप राइट, बताना चाहूंगा कि आज का ही वो दिन है जो आज से 49 साल पहले केराकत जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पंडित श्याम नारायण शुक्ला जी के यहां एक बच्चे ने जन्म लिया, जो जिसने रामायण के सीता के कैरेक्टर से निकलकर, चाहे वो रावण का मंगल कैरेक्टर हो, बुलेट राजा का सुमेर यादव हो, और त्रिशू भाई आ गए, एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तिग्वांशु झूलिया जी का, और त्रिशू भाई आ गए, आइए स्वागत, आपकी सीट पकड़ के बैठ नीचे। दोस्तों आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री धुलिया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। रवि किशन जी किसी नाम के मोहताज नहीं है, ना जाने उन्होंने कितनी लैंग्वेज में काम किया, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, अनेकों फिल्मों में काम किया। त्रिशू भाई का मैं स्वागत करूंगा प्रणाम करते हुए, त्रिशू भाई को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बुलेट राजा हमने फिल्म की थी, सुमेर यादव इन्होंने मुझे बनाया था, तो त्रिशू भाई को मैंने व्हाट्सअप खेला इनके साथ, बिकॉज ये भी झचकी बाबा हैं, तो फोन और साहिब बीवी गैंगस्टर एकदम गरमाया हुआ माल आ रहा है इनका, हमको पता है पूरा लीन होंगे उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में, सो आई जस्ट सेंट हिम की एक फिल्म बनाए हैं उसके लिए आप, मैं चाहता हूँ आप ही उसका श्री गणेश करें, तो उन्होंने तुरंत कब, तो हम लोग ऐसे ता तू कितने आ ऐसे हुए हम लोग में, और त्रिशू भाई आ गए। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज व्हाई, और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ नाम नहीं, प्रदीप काबरा जी कुछ नाम, टाइगर हैं, टाइगर के भाई राजू, बहुत सारे नाम, और कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नाम नहीं लिए, आप सब लोग दिल में रहते हैं हमारे, आप लोग आए हैं, मेरा जन्मदिन है, मीडिया का स्वागत, सबका स्वागत। अब त्रिशू भाई के हाथ से श्री गणेश करते हैं हम लोग, आप कुछ और लंबा बोल रहे हो, अच्छा नहीं ना बोल। मैं रवि भैया से गुजारिश करूंगा कि रवि भैया आप मंच पे ही बने रहें, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री तिग्वांशु धूलिया जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, ताकि हम इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। उनको बता तो दे किस लिए। त्रिशू भाई एक फिल्म है ये, मेरी तीन बेटियां हैं, एक बेटा है, और मुझे बहुत तकलीफ होती थी रेप के शब्दों से, बहुत ज्यादा दुख होता था, और इट वॉज बॉदरिंग मी लॉट, सो आई थॉट ऑफ
मेकिंग समथिंग, एक अपॉर्चुनिटी मिली है फिल्म बनाने की, और हमने रेप बलात्कार के लिए इससे एक फिल्म बनाई बलात्कार के मुद्दे को लेकर, और उसमें मेरे दुख बहुत हैं, इसमें मेरी पीड़ाएं बहुत हैं, इसको एंटरटेनमेंट वे में कहने की कोशिश की है, बट मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि ये देवों की धरती, भगवान की धरती, यहाँ ऋषि मुनि पैदा होते हैं, और हिंदुस्तान है, लोग कुछ गंदे लोग अपनी हवस में इसको बदनाम क्यों करना चाहते हैं, एंड व्हाई, सो दैट वाज बॉदरिंग मी एंड आई मेड दिस फिल्म, सो दिस इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर, कि ये वो फिल्म है और उसका आप श्री गणेश कर रहे हैं, आपके हाथों होगा, और ये भगवान ने साथ दे दिया इस तरह का सिनेमा, तो भोजपुरी में इसी मुद्दों को लेकर अब आगे भी सारी फिल्में बने, जी के साथ हमारी 7 फिल्मों का डील क्रैक है, आई हैव टू मेक 7 फिल्म्स फॉर देम, सो अब मैं अपने मुद्दे वाली फिल्में, अपने मन का सिनेमा बनाने की कोशिश कर, टाइगर कोई बोलना चाह रहा है, किशोर भाई जरूर बोल, रवि दोस्त है, छोटा भाई जैसा है, उन्होंने पूरी प्रजा साथ में की थी, उसके बाद क्योंकि लखनऊ थे और बनारस इधर हुए, तो हम लोग में बहुत सारी चीज़ें, मैं भी रहा तब, तो कॉमन फैक्टर्स बहुत है जुड़ने के एक दूसरे के साथ, तो उसने जब मुझको, ये फिल्म बन चुकी है कि रिलीज पे है, कि ये बन चुकी है, बन चुकी है, अभी रिलीज पे, ओके ओके, तुमने कहा श्री गणेश, मैंने कहा नहीं, नहीं, अच्छा, तो उसने मुझको प्रोमो भेजा था उसका कुछ, वो देख के मुझको लगा यार कि वाकई में भोजपुरी सिनेमा जो कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का मेन सिनेमा हुआ करता था एक टाइम पे, अगर आप सारी बड़ी फिल्में देखे उठाते गंगा जमुना से लेकर के लगान तक, ये सब देशज भाषा, हमारी नॉर्थ की भाषा है सारी, बहुत कुछ भोजपुरी अवधि, ज्यादातर अवधि है, वो सिनेमा सडनली बैकसीट पकड़ लेता है और एनआरआई सिनेमा पड़ जाता है, और अजीब किस्म का अपने जो जो रियल हिंदी सिनेमा था वो छूट जाता है, फिर ये अच्छी बात है कि रीजनल सिनेमा भोजपुरी ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सूरत बदलते हुए देखी मैंने इसका, जब मैंने प्रोमो देखा मैंने कहा ये बात है कि हम लोग सिर्फ वो बढ़ती ना करें, बहुत बड़ी जनता है जिन पे जिनको बहुत सारी कहानियां सुनानी है, अलग ढंग से सुनानी है, और एक देश भाषा है, सबके दिल की भाषा है, तो मैं रवि को और इस फिल्म से जुड़े पूरी कास्ट एंड क्रू को मेरी बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, प्रोड्यूसर्स को सबको, प्रोड्यूसर तो कहा आपने, जी को सबको, कि ये प्रयास, और ये प्रयास सफल हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा, मतलब शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए कुछ करने की कोशिश पूरी मारे, ये मेरी लैंग्वेज, ये है तो मेरी लैंग्वेज, तो बहुत अच्छा यार इस प्रयास को, सबको सफलता मिले, ऊपर वाला खूब बड़ी हिट बनाए ताकि लोगों को ये हिम्मत बधे कि कुछ अलग सिनेमा करना है भोजपुरी में भी, बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। पुष्प कुछ देखते मैं चाहूँगा कि रवि किशन जी, दिग्वांशु धूलिया जी का हमारा हद का स्वागत करें, मैं गुजारिश करूंगा श्री अमित शाह जी का जो रीजनल हिंदी स्पीकिंग जील के जो हेड हैं क्लस्टर हेड अमित शाह जी, वो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री दिग्वांशु धूलिया और रवि किशन जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें, एक जोरदार तालियां। मैं इसी क्रम में गुजारिश करूंगा अमरप्रीत सैनी जी से जो बिजनेस हेड है बिग गंगा के, वो मंच में आए और आज के हमारे राजीव जी, राजीव मिश्रा जी जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बिग गंगा के, एंड शुभा श्रीनिवासन जी से, इफ शी इज देयर इन ओके, मैं संगीत दरोगा के तमाम कास्ट मनोज टाइगर जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, संगीत दरोगा जी की अपनी जो कास्ट है मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मंच पे आए ताकि हम म्यूजिक जो यहाँ मौजूद है संगीत दरोगा के और भी जो कास्ट हैं जो हॉल में मौजूद है, oh,
मैं प्रोडक्शन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि म्यूजिक लॉन्च का कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कृपया वो प्रेप लेके आए ताकि हम म्यूजिक को लॉन्च कर सकें। बिल्किस, बिल्किस जी हैं हॉल में? जफर ले आओ। आज इस स्पेशल मौके पे स्पेशली इस ओकेशन को रखा गया ताकि आज रवि जी का जन्मदिन भी है और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि इस ट्रेलर लॉन्च, इस ऑडियो लॉन्च में हिमांशु सर खुद साक्षात यहाँ पे हैं और हम सबका हौसला ये बढ़ाता है कि आज हिमांशु सर खुद उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इलाहाबाद से। बिल्किस जी, आरके प्रोडक्शन और जी ग्रुप के हम वेरी 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 मच थैंक्सफुल हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन बिग गंगा के कोऑर्डिनेशन से, जी म्यूजिक के कोऑर्डिनेशन से एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक हुई है जिसमें आरके प्रोडक्शन 7 फिल्मों को बनाने जा रहा है जो अलग अलग इश्यूज पे होंगी। दिनेश बाबू स्वागत है आपका। फॉर्मेलिटी कैमरे दुर्गा दादा, आप लोग सब लोग आइए भाई, सब लोग का ये खेल है। आओ आओ, हाथ दो भाई, मौका मौका है, आओ सब लोग, हमारे साथी हो सब लोग आओ, जो मेरा साथी है सब आए, आओ आओ, मजा लो सब लोग, आओ काम काम सही जो बारी बारी सब लोग हाथ लगा के जाओ। मैं आप सब, आप सभी अतिथियों से, गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह ले ताकि हम आगे के परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकें। शुरुआत की है और हम सब चाहते हैं कि अच्छे विषय पे फिल्म बने, भोजपुरी सिनेमा जो हक रखता है वो पा जाए। बचपन में पढ़ा था मैंने, सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। तो अब समय आ गया है, हम अपना हक छीन लेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा सूट करता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक जोरदार ताली रवि जी के लिए। मैं इसी क्रम में गुजारिश करूंगा मनोज टाइगर जी से कि वो इस फिल्म में एक बड़े अच्छे कैरेक्टर में भी हैं और भोजपुरी सिनेमा के जॉनी लीवर अगर हम कहें तो ये कम नहीं होगा। तो मैं मनोज टाइगर जी से गुजारिश करूंगा रवि जी के लिए और इस फिल्म के लिए। सबसे पहले भैया हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर भोजपुरी के तो एक से एक महारथियां हैं, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। मैं सिनेमा के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि बहुत लास्ट मोमेंट पे अचानक रवि भैया मुझे मिले और बोले कि टाइगर तुम्हें एक ऐतिहासिक रोल कराने वाला हूँ। मैं ऑडियो लाइव में डबिंग कर रहा था, अचानक मुझे देखे और बुलाए और ऐसे गले लगाए, बोले टाइगर तुम्हारे पास डेट है 2-3 दिन बाद चल सकते हो लखनऊ? मैंने कहा हाँ भैया चल सकता हूँ। बड़े कमाल का रोल है तुम्हारा, फाइनल। और तुरंत फोन किया उन्होंने और उनका टाइगर की फ्लाइट कराई। और वहां जाने के बाद, हालांकि मैंने लगभग 180 फिल्म की है, लेकिन चुनिंदा कुछ 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है मैंने कुछ किया है, तो टॉप 10 में मैं। बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग, ये फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर नहीं था मैं, आई वेंट मिस्टर दिलीप गुलाटी इज हियर और कुछ और प्रोड्यूसर थे इसमें। वहां गए तो अचानक हमको पता चला कि वो फाइनेंसर ने कहा कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं फिल्म बनाने के लिए। यूनिट वहां पर थी सबका,
पेमेंट वेमेंट होटल वगैरह सब बहुत कुछ होंगे, तो हमने रात ही को सैफ किदवाई जी होंगे डायरेक्टर हमारे हैं क्या, डायरेक्टर साहब अच्छा हो पोस्ट प्रोडक्शन में हो। सो ये फिल्म हमने अचानक कौन से छचकी में मूड में बोले चलो मैं बनाता हूँ। तीन चार दिन पहले कुछ एक वाहियासी स्क्रिप्ट थी, कुछ रीमेक था साउथ का एक फिल्म का, तो फेंक दिया हमने और ये फिल्म रातों रात में बनाई। कैमरामैन ने बड़ी मेहनत की, हेमंत तो भी आए हैं, कुछ लोग म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, उनका नाम क्या है दिलीप जी? प्रदीप रंजन। प्रदीप रंजन को धन्यवाद दूंगा, एक पटना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। श्याम देहाती को धन्यवाद दूंगा, राइटर्स जितने लोग हैं दिलीप गुलाटी जी आपको धन्यवाद दूंगा, एंड सैफ की दवाई को डेफिनेटली दिल से, बिल्किस कपाड़िया मेरी ऑफिस से है, वो मेरा मेकअप मैन हितेश, सो माई वाइफ प्रीति जो सपोर्ट हमेशा करती हैं। टाइगर अंजना नहीं आ पाई, उसकी फ्लाइट बेचारी वो लखनऊ में कहाँ फंस गई है, उसने बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की उसने, पप्पू और ये गैंग पूरी, पप्पू के साथ चार लड़के पिंकुल एंड ऑल, वेरी नाइस, सब ने मेरी मेरे मैडनेस के साथ काम किया, 20-20 घंटे काम करवाया मैंने इन लोगों को बहुत, और मैं बहुत क्रूड हो जाता हूँ, बहुत रूड भी होता हूँ, लेकिन सब मुझे झेलते रहे, बिकॉज मुझे कुछ पागलपन करना था, कुछ किया वो क्या है, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, देखिएगा कैसा आपको लगा। लेट मी वी कैन सी द ट्रेलर नाउ। वो हमेशा एक नई प्रथा शुरू करते हैं और उस प्रथा को हम सब आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने इतनी कुदरती, मैं इस फिल्म से डे वन से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन रवि जी ने फैसला किया कि इस फिल्म का प्रोडक्शन करेंगे, हमने बात की थी और आज ट्रेलर लॉन्चिंग में आ गए। और मैं एक चीज बताऊं, हमने 250 शब्द बोलने का परमिशन लिया कि अगर कोई हम्बलनेस किसी को सीखना हो ना, तो एक हफ्ता रवि जी से एक ट्यूशन जरूर लेनी चाहिए। इतने बड़े आर्टिस्ट, इंटरनेशनल, रवि जी 2 सेकंड लूंगा, मैं 10-12 साल पहले आपको याद होगा मैं अमेरिका में से आपको फोन किया था, मैं शिकागो मेरा स्कूल है वहां उतरा, तो उस दिन अमेरिकन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई कॉन्फ्रेंस था, तो हमारे होस्ट जा रहे थे, तो मुझे बोले दुर्गा जी चलिए, क्योंकि मैं म्यूजिक टीचर हूं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। करने के बाद में वो इंडियन बॉर्न अमेरिकन थे, तो उनको ये भोजपुरी पता नहीं था, उन्होंने बोला कि अवर टीचर मिस्टर मजूमदार, ही इज ऑल, अभी दुर्गा दादा ने बोला था कि मे भी हिंदी पिक्चर मैंने काफी बनाई, भोजपुरी जब मैं बनाने के, तो खैर मैं जिंदगी में सोचा भी नहीं था, पहले मेरे पास प्रपोजल आते थे तो मैं बोला यार भोजपुरी तो मेरे को जमती नहीं, ना मैं बनाना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 30 करोड़ की पब्लिक है पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलने वाली, जैसे पहले हम जब यूरोप और अमेरिका जाते थे वहां वो लोग बोलते यू आर इंडियन, और वो ऐसे देखते थे कि जैसे इंडिया में एकदम हम लोग साधु महात्मा और सांप वाले देशों के लोग हैं। लेकिन जब उनको पता चला इतनी आपकी पॉपुलेशन है और जब इतने आप डेवलप हो रहे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो सेम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी में जैसे आज 30 करोड़ की पब्लिक अराउंड है पूरी दुनिया, खुशी के मारे। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप ऐसे ही चमकते रहे, ऐसे ही हमेशा इतने हैंडसम दिखते रहे कि सबको कॉम्प्लेक्स होता रहे। एंड ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने रवि जी से सुना है और कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मुझे वन लाइन सुन के इतना अच्छा लगा था, ऐसी फिल्में बने और सच्ची में ऐसे दरोगा लोग हों तो लड़कियां बहुत सेफ फील करेगी हमारे देश में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम, बहुत सारी बेस्ट विशेस, आई होप इट डज वंडर्स ऑन बॉक्स ऑफिस, थैंक यू। रवि किशन जी का सबसे पहले तो आज जन्मदिन है, किस तरह से विश करना चाहते हैं आप? बहुत शुभकामना दिए हैं उनको और चाहते हैं कि जो फिल्म आज ट्रेलर हम लोगों ने देखा सनकी दरोगा, ये खूब सफल हो फिल्म, और एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे इन्होंने फिल्म बनाई है सनकी दरोगा, समाज से बलात्कारियों को मिटाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो सफल हो। तो अगर फिल्म सफल होती है तो आगे और बहुत सारी फिल्मों के लिए रास्ता बन जाता है, तो हम यही शुभकामना देते हैं और भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा रहते हुए यही बस उनको बहुत सारी बर्थडे विशेस, और ऐसे ही उनके नाम के आगे और बड़े बड़े स्टार, मेगा स्टार तो है ही, और बड़े बड़े स्टार उनके नाम के आगे लगते रहे और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, चहकते रहे, और
हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल रहे, यही दुआ है। दिनेश जी, और देव जो सजा है उसके लिए बहुत सारे तब्दीलियां की गई है, जुवेनाइल एक्ट में तब्दीलियां की गई है, बाकी चीजों में तब्दीलियां की गई है, निर्भया कांड में फांसी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है, क्या सबसे बड़ी सजा हो सकती है एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को? वो सजा भैया ने इसमें दिया है, उसकी दरोगा में पहले सीन में ही सीधा काट ही लेते हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे सन की दरोगा, तो सीधा सन की दरोगा ने काट दिया, बस यही सबसे बड़ी। गला काट दिया? गला नहीं, जो काटना चाहिए था वही काट दिया। सही बोल। आई थिंक कैसे लोगों की मतलब अच्छी सजा दिया उन्होंने, बहुत हाँ बहुत दरिंदगी से ये लोगों को मरना चाहिए, मतलब कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत, जो भी बोलना जाए वैसे मरना चाहिए लोगों को। तो इसके लिए जो भी सजा हो जिसकी वजह से लोग ऐसे मर पाए रेपिस्ट, तो वो सजा मिली जी। आई थिंक रवि जी ने सही सजा दी है। दिनेश जी, फांसी छोटी सजा है? मतलब मुझे लगता है छोटी सजा तो नहीं है, पर उस व्यक्ति को उतना ही तड़पाया जाना चाहिए जितना एक बच्ची को तड़पना पड़ता है। रेप जिसके साथ होता है वो सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसके रूह से, उसकी आत्मा से। तो ऐसे बच्ची को या ऐसे औरत को पूरा जीवन तड़पना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि फांसी को दे देंगे तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, उसे भी तड़पा के ही मारना चाहिए। काफी महीनों से बहुत सारे बच्चियों के साथ जो वारदातें हो रही है और हमारी जो इंडस्ट्री उसके लिए आगे आती है, ये बहुत अच्छी बात है। और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक उन्होंने स्पेसिफिक फिल्म बना के लोगों को बताना चाहिए। और क्योंकि यूपी बिहार जो जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को फिल्म बनाई तो मैं बहुत खुश हूँ। रवि जी डेफिनेटली इज अ फ्रेंड और पहली फिल्म से मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेस्ट विशेज है क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन इतने बड़ी एक नई स्टॉक फिल्म बनाकर हमारे ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश की। बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए, हम इस फिल्म में सन की दरोगा में मेन विलन प्ले कर रहे हैं, और हमारे जो आइडियल हैं रवि जी जो अभी 24 साल के हैं, आप उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जोरदार तालियां। और बार बार हम ये दुआ करते हैं रवि जी ऐसे स्मार्ट और हैंडसम रहो, और आप भोजपुरी के सलमान खान हो जिसको देख कर हम सब लोग बहुत मतलब एक होते हैं यार इनकी जैसी बॉडी बनाए। तो रवि जी के लिए बहुत बहुत दुआ है हमारी। और सन की दरोगा का आज ट्रेलर लॉन्च है, हम लोग आए हैं उसकी पार्टी पर, और हम लोग की दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी चले, बहुत सक्सेस हो, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है। और हम दोनों हमारे दोस्त हैं पप्पू यादव, हम दोनों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। पप्पू जी ये भैया बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसमें जो है एक अलग ढंग एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं नहीं बोलता, मेरा डब्रू बोलता, और बहुत ही अच्छी बस ये थैंक यू सो मच ये मेरी पूरी टीम को सब मेरे चाहता है, माय कैमरामैन, माय डायरेक्टर, माय एडिटर, सब लोगों ने मेहनत की, अंजना मेरे कास्ट एंड क्रू में सबने दिल लगाया और सबने दिन रात मेहनत की, उसका नतीजा है कि हम लोगों ने बहुत कम समय में ये रिजल्ट देने की कोशिश की। तो ये थैंक गॉड कि हम लोग उसमें सफल हुए जो हम लोगों का एक टारगेट था, ये टारगेट में हम लोग करेंगे, तो ईश्वर की कृपा रही, भगवान की। आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मुद्दा होना चाहिए फिल्म में, अभी जैसे कोई भी फिल्म अभी मैसेज ड्रिवन थोड़ा सा संदेश भी होना चाहिए, एंटरटेन करिए लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए। और उज्ज्वल मुद्दे बहुत हैं हमारे देश में, उसको अगर आप छूते हैं तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी 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 चॉइस इस तरह की फिल्म ज़्यादा है। मेरी अगली फिल्म है रगड़ता बिहार, वो
दारूबंदी के बाद क्या एक सटायर है कि क्या होता है वो है, और एक फिल्म हमारी लीची, एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसका नाम लीची है, कि एक लड़की मतलब लड़की पैदा होती है तो वो बोझा नहीं है, तो ऐसी कुछ कहानियां हैं मेरे जहन में भी बहुत अच्छी। और चूंकि अब जी के साथ हमारा टाइप हुआ है, हमको उनको अच्छी अच्छी फिल्में देनी है, तो कोशिश करेंगे कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। शायद आपसे बात कर रहा हूँ कहीं बलात्कार हो रहा हूँ, तो ऐसे रोज जो कहानियां या टेलीविजन पे अखबार में, ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, चूंकि मेरे बच्चे भी जो सारी पीड़ाएं हैं इसमें न जाने बहुत सारी कहानियां हैं, और ये सच्ची घटनाओं से हम लोग प्रेरित हुए हैं। एक पर्टिकुलर घटना हम नहीं मिस करना चाहते, ना मैं आप लोगों को उसके सामने आप कभी नहीं करूँगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटना कौन सी। इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता माता पिता पालन पोषण गुरु जी, जहाँ पे अगर बेटा, सब लोग बेटियों को सीख देते हैं कि बाहर मत निकलो, 7 बजे के बाद नहीं निकलो, रात को मत निकलो, कोई अब माँ बाप ये या कोई गुरु ये अपने बेटे को लड़कों को नहीं बोलता कि पर नारी को या पर स्त्री को गलत नजर से मत देखो, दूसरी की स्त्री है, ये दूसरी की बच्ची है, ये पाप है, ये घर से ही शुरू होता है, पालन पोषण से ही मेन प्रॉब्लम है। तब ये जब तक ये पालन पोषण ये इस पर अंकुश नहीं होगा कि हम बेटों को ना समझाएं, तब तक ये बलात्कार होते रहे। और सजा को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि बलात्कारियों को सजा कौन सी दी जाए। आपके दोस्त निरहुआ कह रहे थे सर्पी दरोगा के पहले सीन में आपने कोई सजा दी है? मैंने बहुत गंदी सी सजा दी है, मैं अभी वो रिवील नहीं करना चाहता, बहुत ही क्रूर सजा दी है, और उसके लिए मुझे पुलिस भी मुझे कानून भी हाथ में लेना पड़ता है पुलिस फोर्स में रह के। वो कहानी का मेन मुद्दा मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, बट यस मुझे कुछ स्टेप लेने पड़े थे, और वो स्टेप कभी कभी लेना पड़ता है, उसके लिए शायद मुझे पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, ऐसी कुछ कहानी में है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इस फिल्म में, बट मुझे लगता निर्भया के दोषियों को, निर्भया बच्ची के दोषियों को फांसी की सजा हो गई, हैंग टिल डेथ, मैं बहुत खुश हुआ। और इसी तरह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो सिर्फ बलात्कारियों के लिए होना चाहिए इस देश में, जहाँ पे सिर्फ बलात्कार के मुद्दे को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए और उनको दोषियों को तुरंत सजा, और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बलात्कारी वो 8 महीने की बच्ची के साथ कर रहा है, 6 साल की बच्ची, 18 साल या 35 साल या 60 साल की किसी के साथ भी बलात्कार हो रहा है, उसके मुजरिम को, मुझे ऐसा लगता है रवि किशन कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी। सर स्टोरी में ट्विस्ट यह है कि बहुत सारे बलात्कार के ऐसे मामले हैं जिनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जहां पर जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है, वो खुद माइनर है, 12 साल 14 साल का है, क्या उसे फांसी की सजा दे दी जाए? यस यस, कोई भी हो आरोपी, अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि है जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप की कांड पे जा रहा है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए, उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और 16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ, तो हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से खराब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे। ये जो अभी आपने कहा कि मैं जब चलाऊंगा तो इसे क्या कह के चलाऊं, अभिनेता रवि किशन ने कहा, नेता रवि किशन ने कहा या हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा? हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा, जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। अगस्त में हम रिलीज करें, इसको अगस्त में हमको रिलीज करें। बैरी करना टू अच्छा बिजनेस कर रही है, त्री साहब पांडे जी, श्रीवास्तव जी, लोगों ने फिल्म बड़ी साफ सुथरी बनाई, और थैंक गॉड ये पांडे जी आ गए, ये लोगों ने, और ये अत्री साहब आ गए, ये लोगों
लोगों ने मेहनत की और ये फिल्म बनाई, आप लोगों को पूरा श्रेय जाता है, अच्छे सिनेमा उसके लिए आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे हो रफी साहब आए हुए हमारे, ये उनका उनका थॉट हैदर पंडित उनकी कहानी है। और ये गंगा जमुना की तहजीब जो जो संस्कृति है ये उसको दर्शाता है कि कैसे ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम के घर में पैदा होता है, मुस्लिम के घर में बड़ा होता है, सो उसको पालन पोषण होता है, कोई बहुत कमाल का कॉन्फ्लिक्ट है। और कैसे फिर वो टेररिस्ट लोगों से लड़ने जाता है, उसमें डोकलाम भी है, उसमें चाइना जो एक पिता है जो पाकिस्तान को फंड करता है, तो चाइना को भी पकड़ा गया इस तरह से, तो ऐसे कुछ बहुत यूनिक से थॉट्स हैं। सर इसमें क्या डबल रोल आपका दिखाया गया है? किसमें? इस मूवी की बात है संकी में। हाँ ये सस्पेंस है, गोपी किशन जैसा जैसा गोपी किशन में है पुलिस वाला होता है, ये सस्पेंस है। चलिए आपके मन में सवाल तो आए और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये ट्रेलर देख के आप लोगों के मन में सवाल आए, वो एक्साइटमेंट मेरे लिए जरूरी था कि आप लोगों के मन में सवाल आए, नहीं तो अक्सर भोजपुरी ट्रेलर या भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत में लोगों को इतना वो नहीं रहता। मैं चाहता हूँ एक्साइटमेंट आप लोगों में भोजपुरी को लेके रहे और हम लोग आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम लोग अच्छा सिनेमा जरूर बनाएंगे, ये वादा है। जो सेकंड में दिखाया गया मेकअप में बिल्कुल चेंज दिखाया आपको? हाँ देखिएगा ना, इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट है, इसमें जी मैं तेलुगु फिल्में काफ़ी करता हूँ, वहाँ बहुत प्यार करते हैं लोग, वहाँ बहुत फैंस हैं मेरे, तो NTR मैं इतना लकी रहा कि NTR सर की बायोपिक बन रही है और NTR सर की बायोपिक में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और मैं बालाचंद्र सर जो बालाया सर हैं उनके बेटे हैं वो NTR का रोल कर रहे हैं। मैं रविकांत नगाई जो एक बहुत बड़े कैमरामैन थे जिन्होंने पहली बार मास्किंग शॉट लाया था इंडिया में हिंदुस्तान की स्क्रीन पे, और रामा राव जी उसके NTR जी उसके डायरेक्टर थे, उस फिल्म के 9 चेहरे थे रावण के बनाना, वो एक उनका डिबेट हुआ, उनकी दोस्ती थी, लोगों ने फिल्म की, वो UP के थे रविकांत नगाई जी। फिर उन्होंने कृष्णा सर के साथ जो महेश बाबू के फादर हैं एक बॉन्ड फिल्म बनाई, उस टाइम बॉन्ड का दौर हुआ, फिर गंग मास्टर जी ने सुरक्षा बनाई उन्होंने, तो रविकांत नगाई जी बहुत अहम मित्र थे NTR सर के, NTR सर ने उनको कैमरामैन बनाया था और उन्होंने ईजाद किया था मास्किंग शॉट इंडियन सिनेमा में, तो इनकी मित्रता का रोल है। और मैं बड़ा लकी रहा कि इतने बड़ी फिल्म में जहाँ पे सारे साउथ के एक्टर हैं वहाँ पर मुझे और विद्या बालन जी को मौका मिला था। थैंक यू रवि जी, और उम्मीद करेंगे कि शाम को जो पार्टी होगी उसमें हम सब इनवाइटेड होंगे। क्लोज पार्टी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी PR टीम से बात करके कि कैसे आप लोगों को न्योता दिया जाए या कैसे आप लोगों को अलग से पार्टी करवा दिया जाए, ये दोनों मुद्दे हैं, ये वादा रहा मेरा। लेकिन वो जो पार्टी हो रही है इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार, मेरे भोजपुरी के स्टार सब लोग आ रहे हैं, तो कुछ काम बिगाड़ेंगे नहीं, मीडिया काम नहीं बिगाड़ेगी, बिकॉज वो शायद वो जगह है वो जो शायद मेरा घर हो, अगर वो बाहर होता है तो आप लोग का स्वागत है। जाते एक डायलॉग सर, जाते डायलॉग यही है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, लेकिन कुछ दरिंदे अपनी हवस की वजह से इसे बदनाम करना चाहते हैं और मैं रघुराज प्रताप सिंह ये होने। थैंक यू सर। एज एन एक्टर वो नंबर वन है, वैसे एज ए प्रोड्यूसर भी नंबर वन है।
एक निर्माता के तौर पर उन्होंने हमें बधाई दी, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट दिया वो कमाल का था। सर इस तरह का सिनेमा मैसेज ये देता है कि भोजपुरी में बदलाव हो रहा है, भोजपुरी में अब ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, करंट सब्जेक्ट पर फिल्में बन रही हैं, घिसा पिटा कहानी जो लोग लेकर आते थे उनसे हट रहे हैं। फिल्में बनाएंगे अश्लीलता रहित, और 20 तारीख को हम लोग